लास्ट वीक कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है तो उसमें ये जो होते हैं आपके कमेटीज होते हैं, इधर सब कमेटीज होती हैं, आपके इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटीज हैं, फिर उसकी लॉ जस्टिस की आज़ादी कमेटी है जहाँ पे आपके लॉज जाते हैं, फिर प्राइवेटाइजेशन की कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है, फिर इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की कमेटी है, उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है, मिनट्स होते हैं, वो कैबिनेट में रेटिफिकेशन के लिए पेश किए जाते हैं, कैबिनेट अप्रूव करो तो देन दे बिकम वो हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। लास्ट टाइम यहाँ पे ये कैबिनेट कमेटी एंड प्राइवेटाइजेशन जो है ना, वो अपने मिनट्स वहां पे वो रेटिफाई कराने गए, एंडोर्स कराने गए। और जहन में रखिएगा ये वही फराटी कमेटी है जिन्होंने लाहौर में इंटरनेशनल सर्विस होटल जो है ना, जो बेचा है उन्होंने वहां पे एक एक इस्लामाबाद की पार्टी को बेचा, हाउसिंग सोसाइटी को, मजीद चौधरी जी वो चौधरी मजीद साहब को, जो उनकी पार्टी को बेचा गया, जिसको इमरान खान साहब ने खुद पहले रोक लिया कि ये जनाब कोड़ियों को दाम बेची जा रही है, और उस पर एमन वास सुखेरा साहब ने भी रोला डाला, तो उन्होंने कहा सारी उम्र हम जिम खाना में खेलते रहे, इमरान खान साहब ने भी यही कहा। उसके सामने तो ये 15 ये है अरब रुपए का नहीं है, आपके कनाल पे वाक्य है, और 13 करोड़ रुपये फी कनाल पे बेचा गया है, जरा उस पर माल रोड पे 13 करोड़ का प्लाट कमर्शियल इस्लामाबाद में नहीं मिलता सर, एक कनाल का, उन्होंने लाहौर के माल पे बेच दिया, वो हो गया, ये आपकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, वहां पे जब पेश हुआ तो एक उस पर एजेंडा आइटम था जिस पे उन्होंने सेक्रेटरी अहमद नवाज सुखेरा साहब रुक गए। वैसे मैं देख, मैं दाद देता हूँ इसको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर को, ये जो हमारे नए हैं ये शौकत तरीन साहब, और एनर्जी मिनिस्टर को, इनकी अप्रोच का बारे में मुझे सोच के ना मुझे वाकई झटका लगा है कि वाकई इसी तरीके से समझते हैं कि ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है। इन्होंने क्या काम किया है, तो वहाँ सुखेरा साहब ने कहा प्राइवेट, अच्छा क्योंकि सुखेरा साहब ने इसलिए शायद यहाँ पे मेरा ख्याल बात की है, ये खुद प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी रहे हुए हैं, मुझे याद है कि मैं वहाँ पे एक उनकी कैमा कमेटी के इजलास में इनकी अच्छा खासी एक बहुत झड़प भी हो गई थी वहाँ पे कमेटी मेंबरान के साथ, जब सेनेट की कमेटी थी। कॉमर्स के भी रहे हुए हैं, ये आजम गै खान का एक गैप है कि उनको इस्लामाबाद का कोई तजर्बा ही नहीं है, तो इनका ये गैप फिल कर रहे हैं कि ये कॉमर्स में भी रहे हुए हैं, ये प्राइवेटाइजेशन इन मामलों को समझते हैं। सो वो कैबिनेट वो इसके क्योंकि खुद उस निजकारी कमीशन के रहे हुए हैं, सेक्रेटरी बड़ा अरसा रहे हुए हैं, सो उन्हें पता है कि अंदर खाते वहां पे क्या घपले और डीले होती हैं और क्या क्या गलत काम हो रहे हैं। उन्होंने यहां पे पॉइंट आउट किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, एंड मतलब थैंक्सफुली इमरान खान साहब ने उनकी बात को सुना भी है। उन्होंने ये कहा कि अब ये हमें बताया जा रहा है कि यहां पे एक उसमें आके आके प्राइवेटाइजेशन कर रहे थे उसकी गुद्दू पावर प्लांट और यहां नंदीपुर पावर प्लांट की, इनकी प्राइवेटाइजेशन हो रही है, और प्राइवेटाइजेशन वो कैसे कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पीएसओ के इन्होंने पैसे देने हैं आयल के तेल के, आमिर साहब मुझे प्लीज करेक्ट कर दीजिए अगर मैं कहीं पे के मतलब रिसीवेबल्स यूज करते हैं, उन्होंने रिसीवेबल का उन्होंने लफ्ज यूज किया कि पीएसओ ने ये गुद्दू को आके 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 इसको गुड्डू पावर प्लांट और ये नंदीपुर को जो तेल देता रहा है ना, और तेल के पैसे इन्होंने पीएसओ को नहीं दिए, लिहाजा अब इन दोनों प्लांट्स जो है ना ये उनको अपने शेयर्स दे रहे हैं कि इनको आप वहां पे एडजस्ट कर ले, जो पैसे हमने आपके देने हैं ना एज कंपनसेशन, एज ए कंपनसेशन, इसको ठीक उन्होंने है। नाम दिया है प्राइवेटाइजेशन का, जरा सुनते हैं और सर धुनते हैं। उस पर सुखेरा साहब ने कहा ये दुनिया की कौन सी डेफिनेशन है प्राइवेटाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन तो होती है कोई थर्ड पार्टी को बेचा जाए, प्राइवेट बंदे को दिया जाता है, भाई आप किसी और सरमायादारी को देना, बिडिंग करवाए ना वहां पे जाए, कोई पार्टी है वो खरीदे ना इसको, आके गुड्डू को खरीदे या आके नंदीपुर को खरीदे, ये तीनों जो महकमे हैं ये सरकारी महकमे हैं, आपका पीएसओ भी सरकारी एक है, सरकारी से दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहा है, एक आपको ने उसके पैसे देने हैं, उसको पीएसओ के पैसे देने हैं, दो पावर प्लांट्स ने, आप उसको क्या कह रहे हैं कि पैसों के बदले तुम रख लो इसको, मतलब आप इक्विटी ले लो, इक्विटी ले लो, तो उन्होंने कहा ये कौन सी प्राइवेटाइजेशन हो रही है कि महकमे आपस में शेयर जो है ना बांट रहे हैं, ये तो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, नहीं एब्सोल्युटली राइट। इस पे जरा सुने, दोनों वजीरों ने कहा, यानी विश के इमरान खान साहब को उनको थोड़ा स्नब करना चाहिए था इस एक्सप्लेनेशन के बाद, दोनों वजीरों ने कहा सर जी खुदा के लिए होने दे, मतलब है हमारे पास पैसे नहीं है, इसी तरीके का इनको आपस में एडजस्ट करना चाहते हैं तो करने दें, बाद की बाद में देखेंगे, कल की कल देखेंगे जनाब, इसको होने दें, ये शौकत तरीन साहब और हमाद अजहर भी, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े बैंकर हैं, दुनिया भर से पढ़ के हैं, आप ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पर फ्रॉड कर रहे हैं, ये तो प्राइवेटाइजेशन ना होगी ना आपकी, जो उन्होंने बात की है वहां सुखेरा साहब ने, सुखेरा साहब ने एक और बड़ा बमशेल उन्होंने इंकशाफ किया, वो जरा सुने, ये प्राइवेटाइजेशन के नाम पे इस मुल्क को लूटा कैसे गया है, यहाँ शॉन ग्रुप है आमिर साहब, अच्छा उन्होंने ये वहां पे इंकशाफ किया है, उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने कि जनाब यहाँ पे माजी में जो हमने बेची हैं यहाँ पे अपने अपने कारखाने बेचे हैं, अपनी बहुत सारी एस्टेब्लिशमेंट्स बेची हैं, ये जो भी थे हमने बैंक बेचे, होटल बेचे, जो भी बेचे, उन्होंने कहा बहुत सारे पैसे उन लोगों ने जिन पार्टीज को बेचा गया उन्होंने हमें दिए नहीं है, कोर्ट केसेस कर दिए हैं, और बहुत बड़ी अमाउंट इन्वॉल्व है उसमें, उन्होंने कहा जिसमें उन्होंने स्पेशल नाम लिया है कैबिनेट में शॉन ग्रुप का,
जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है, बिजनेसमैन है, दुबई में है, रियल स्टेट में, पता नहीं मैं तो अभी नाम पढ़ने लगा, तो उनका बैंक है, बला बला, क्रिकेट में भी ब्रीफली आए थे जी, उसमें आए थे मुल्तान सुल्तान जो लिया था। तो शान ग्रुप जो है वो पैसे उन्होंने नहीं दिए, उन्होंने अदालतों से जाकर स्टे ले लिया सबने, यहां से डील करते हैं, डील करने के बाद वो अदालतों में चले जाते हैं, दो चार तगड़े कोई वकील करते हैं, 2-2.5 करोड़ रुपये उनको लगाते हैं, वो उनको स्टे ले देता है सर, उसके बाद अदालती प्रोसीडिंग आपके रुक जाती है। सो उन सुखेरा साहब ने वहां पे कैबिनेट में कहा अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, उन्होंने कहा साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब इस पे जरा इनसे निजकारी कमीशन से ब्रीफिंग ले लें कि कौन कौन से इदारे हमने बेचे और उन इदारों के अगेंस्ट कौन कौन से अदालतों में चले गए, हमें उन्होंने पैसे नहीं दिए, हम आगे बाकी इदारे बेचते जा रहे हैं, जो पहले वाले इदारे बेचे थे उनके पैसे नहीं मिले हमें। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो मेरी उस पर है कुछ उन्होंने नैब के ये जो डिटेल्स है ना ये मुझे पेश कीजिए, गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ ये नैब का भी यही तरीका कह रहा है कि लोग प्री बार्गेन करते हैं, एक अदीब वो छुट्टी करवाने के बाद बाद में अदालत के अंदर चले जाते हैं और वो स्टे हो जाता है, ना पैसे दिए जाते हैं और वो जान भी छूट जाती है। तो इमरान खान साहब ने अच्छा फैसला किया, उन्होंने कहा जनाब कि भाई साहब ये अगर एक काम हो रहा है, शान ग्रुप ने भी वहां पे स्टे ले लिए हैं, दूसरों ने भी ले लिए हैं, पैसा स्टॉक अप हो गया और हम यहाँ पे टैक्सेस लगा रहे हैं, लोगों की जेबों पे डाके मार रहे हैं, तो जो पैसा आना चाहिए था प्राइवेटाइजेशन की इसलिए गई थी कि पैसा आएगा, हमें टैक्सेस नहीं लगाना पड़ेंगे, हमें इन्हीं के जरिए डेवलपमेंट कर लेंगे, इन्हीं के जरिए दीगर प्रोजेक्ट्स इनिशिएट करेंगे, पता यह चला है कि पूरे का पूरा घर का सामान भी हमने बेच दिया है और जो कुबाड़े आके लेकर गए कुबाड़ियों में जाके जनाब उन्होंने स्टे ले लिए वकील करके और उसको उसको निजकारी कमीशन जो है वो चुप करके बैठो, अभी आपके पास अटॉर्नी जनरल है, आपके पास लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ ऑफिसर्स है, एडवोकेट जनरल है, उनको एक्टिव करें ना अदालतों में, जो उनके फैसले करें आप, बिल्कुल। सो गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने कहा जनाब कि ये मुझे रिपोर्ट दें कि आपके कितने पैसे किस किस के पास फंसे हुए, क्या कोर्ट केसेस।